वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत। हाँ जी मेरे भारतवासियों, मैं आपका अपना डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा, पंजाब लुधियाना से। और अभी अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि दिल्ली में जो हिंसा हो रही है, 1984 में हुई थी सिखों पर, और आज 2020 में ये हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर हिंसा हो रही है। और सोशल मीडिया पर अभी जो मैंने खबरें देखी हैं उनके अनुसार 18 लोगों की मौत हो चुकी है हमारे भाइयों की। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं पूरे भारत के अंदर बस रहे 85% हमारे जो मूल निवासी हैं, बहुजन समाज है, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने वाल्मीकि समाज के, खास करके जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रहता है। मेरे वाल्मीकि भाइयों और जितने भी ब्राह्मणों द्वारा 6,743 जातियों में बटे हुए हमारे शूद्र भाई हैं, भाइयों आप लोगों के चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आरएसएस के मंसूबों को कामयाब ना होने दें, और ये लोग हमारे ही लोगों को आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर और बजरंग दल, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के अंदर हमारे लोगों को ओहदे दे देते हैं। मैं अपने भाइयों को निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग भाइयों से भाई मरवा रहे हैं, कृपया आप इनकी चाल में ना आए और इस धोखे का शिकार ना हो। और मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं कि भाइयों आपने चिंता नहीं करनी है, 100 दिन कुत्ते की जिंदगी जीने से बेहतर है कि हम सब 10 दिन शेर की जिंदगी जिए। हमारे बुजुर्गों ने, मुसलमानों ने, सिखों ने और इस भारत देश के जितने भी दलित समाज के लोग हैं, हमने अपनी आजादी के लिए अपना खून बहाया है, अपने सर दिए हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार इस समय जीती है, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, आज केजरीवाल क्या सो रहा है या आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके बैठा हुआ है? लाला केजरीवाल, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके दिल्ली के लोगों ने तुम्हें वोट दिया और तुम्हारी सरकार दिल्ली में लाए। तो जिस तरह से दिल्ली में पुलिस वाले आरएसएस के टट्टुओं के साथ मिलकर के हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर तशद्दद कर रहे हैं, केजरीवाल क्या तुम्हें यह सब कुछ नजर नहीं आ रहा है? इससे यह साबित होता है कि केजरीवाल जो है वो आरएसएस का हुक्म का तीसरा पत्ता है जो आरएसएस के लिए काम करता है। मैं केजरीवाल को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि केजरीवाल, तुम्हारी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जिन लोगों ने तुम्हें दोबारा से इस मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम आरएसएस के दल्ले बनकर के काम कर रहे हो। एक इतने बड़े जिम्मेदार पद पर, तुम्हें मुख्यमंत्री पद के ऊपर तुम्हें हमारी दिल्ली के लोगों ने बिठाया है, और आज तुम इसे साबित कर दिया तुम लोगों ने, तुम्हारी जो घटिया मानसिकता है जो तुम्हारे दिलों के अंदर चल रहा है। भारत देश को एक धर्म का अगर तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की सोचोगे तो हमें अपनी जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हम कुर्बानियां देंगे, लेकिन हम तुम लोगों के ये नापाक मंसूबे जो है ये बिल्कुल भी पूरे नहीं होने देंगे। मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां पर दलित समाज जहां जहां पर भी है, इस वीडियो को भाइयों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा वही इंसान हूं जब एक गाय मरी हुई थी और मैंने उस मरी हुई गाय के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, और मेरे सभी मुसलमान भाइयों ने, सब लोगों ने, भारतवासियों ने, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो भारत के अंदर अमन शांति चाहते हैं, उन सभी भाइयों ने उस वीडियो को बहुत शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि गाय के नाम पर टैक्स, मुसलमान जो टैक्स है वो मुसलमान भी देता है, वो दलित भी देता है और वो सिख भी टैक्स देता है। लेकिन
ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी सरकारें हैं वो टैक्स तो सबसे लेती है लेकिन गाय के नाम पर राजनीति करती है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों आप आइए हम सब लोग एक होकर के हमारा दुश्मन कौन है भारत के अंदर, हमें वो दुश्मन की पहचान करें और अपने इन दुश्मनों की जड़ें उखाड़ करके फेंक दें। और मैं ये चेतावनी देता हूं अरविंद केजरीवाल को कि अरविंद केजरीवाल अगर तुमने अपनी दिल्ली में मुसलमानों के ऊपर हो रहे हमारे भाइयों के ऊपर हमारे भारी मुसलमानों के ऊपर हो रहे तशद्दुद को नहीं रोका तो हम पंजाब के, मैं मूल निवासी मार्शल फोर्स का प्रेसिडेंट, पंजाब का प्रेसिडेंट और मेरा मेरे भाई जॉनी डुमरा जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम अपने साथियों के साथ मिलकर के पंजाब से ज्यादा साथी ला करके हम दिल्ली में इसका प्रोटेस्ट करेंगे और आपकी सरकार का विरोध करेंगे। भाइयों मैं दिल्ली वालों से, सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली वालों ये देख लो कि ये जो लोग दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे आरएसएस के दलाल लोग और आज दिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा तशद्दुद हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर इतना ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है जो 1984 में इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने जो सिखों के ऊपर तशद्दुद किया था, आज वो तशद्दुद हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर हो रहा है। आओ भारतवासियों हम सब मिलकर के इन मनुवादी सरकारों को हम जड़ से उखाड़ के फेंक दें। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं अब समय आ चुका है हम सब लोगों को एक होकर के इन मनुवादी लोगों की जो इनकी जो मानसिकता है हम उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दें। सो मेरी आप लोगों से निवेदन है, अपने वाल्मीकि समाज से निवेदन है कि 1984 में भी जब दंगे हुए थे तो इन लोगों ने आपको जज्बाती करके सिखों के खिलाफ भड़काया था और सिखों के ऊपर तशद्दुद करवाए थे। तो मैं जितने भी मेरे भाई, मेरे वाल्मीकि समाज के जितने भी मेरे भाई दलित समाज के लोग हैं वो कृपया इनकी चाल को समझें और कृपया इनके किसी भी चाल में आकर के आप अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर कभी भी कोई तशद्दुद ना करें। मैं आपके चरणों में झुक करके आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये भाइयों से भाई मरवाते हैं, ये मनुवादी लोग, इनकी जो सरकारें हैं ये अगर हम सोचें कि ये कोई हमें इंसाफ देती है, अब सोचिए कि अगर आपने केजरीवाल को वोट दिया कि ये बिजली के बिल सस्ते कर रहा है या ये इलाज करवा रहा है तो ये इस तरह की हमें लॉलीपॉप दे करके और हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर तशद्दुद करवा रहे हैं तो इनकी चाल को समझें, इनकी चाल को समझें और इनका विरोध करें। मैं अपने भारत के सभी मुसलमानों को कहना चाहता हूं आपने चिंता नहीं करनी है, हम जागती जमीर वाले सिख जो है हम सभी सिख अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं और मैं डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा अपने दलित समाज के लोगों को, अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को, गुजरात के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, पूरे भारतवासियों के चरणों में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया जो मोदी की ये जो जितने टट्टू हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ये बिल्कुल भी दिल्ली में इस समय क्या हो रहा है वो बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया ने हमारे को ऐसी ताकत दी है कि जो बात ये गोदी मीडिया नहीं दिखाता है वो बात आप लोग मिलकर के सोशल मीडिया पर एक दूसरे की दुख तकलीफों को समझ रहे हैं। सोशल मीडिया का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इसकी बदौलत, सोशल मीडिया की बदौलत हमें ये तो पता चल रहा है कि कहां कहां पर क्या हो रहा है। सो मेरी निवेदन है आप सभी भाइयों से, दलित समाज के जितने भी मेरे भाई हैं अगर वो हमारी मेरी बात को सुन रहे हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दिल्ली में हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है हाँ आइए हम सब मिलकर के उस तशद्दुद को रोकें। अभी मेरे को पता चला, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि दिल्ली में 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार हिंसा हो रही है। केजरीवाल तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री है, केजरीवाल
इस समय दिल्ली का वो हेड है और दिल्ली उसके अंडर है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अपने पद की गरिमा को बनाए रखे, दिल्ली में हो रहे हिंसा को रोके। और दिल्ली पुलिस से भी मेरा निवेदन है कि इंसानियत को आप पहल दें, आप आरएसएस के टुकड़ों पे ना पले, आरएसएस के मंसूबों को कृपया ना कामयाब होने दें। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह भारत देश जो गुरुओं पीरों की धरती है और भारत देश के अंदर ये जो जातिवाद है, जो धर्म के नाम पर ये दंगे करवा रही हैं सरकारें, हम सबको मिलकर के एकजुट होकर के इन दंगे फैलाने वाली मनुवादी सरकारों का कड़ा विरोध करना चाहिए। और 2022 के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पंजाब के अंदर मनुवादी सरकारें, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हम इनको बिल्कुल भी पंजाब में नहीं आने देंगे। मेरी सभी पंजाब वासियों से निवेदन है कि भाइयों, कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, हम भाई भाई, लेकिन आज हिंदू हमारे भाई जो चुप बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि कृपया अगर आप अपने भारत की पूरे वर्ल्ड के अंदर बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारत का जो हमारा गौरव है, जो गर्व से हम सर ऊंचा करते हैं, वो आज हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर होने वाली जितनी भी ये दंगे फसाद हो रहे हैं, इनको इसकी वजह से पूरे भारत को, भारत के लोगों को पूरे वर्ल्ड के अंदर शर्मसार होना पड़ रहा है। सो मेरी भारतवासियों, आइए हम अपने भारत को बचाएं और अपने भारत को बेगमपुरा वसाएं। हमारे गुरुओं ने कोशिश की है, बराबरता के लिए लड़े हैं हमारे गुरु, जो सिखों के गुरु हैं, हमारे 35 महापुरुष जो गुरबाणी के अंदर बैठे हैं, उन्होंने, वो कोई चमत्कारिक नहीं है, हमारे गुरु 35 महापुरुष, हमारे गुरुओं ने बराबरता की लड़ाई लड़ी है, हमारे गुरुओं ने जो जिन लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, जिन लोगों को के साथ तशद्दुद होते थे जातिवाद के नाम पर, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमारे गुरु साहिबान क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमेशा मानवता की बराबरी के लिए जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उनके लिए, बराबरता के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। सो मेरे भारतवासियों, प्लीज जाग जाइए, नहीं तो ये हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, भारत को खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं ये लोग, भगोड़े लोग हैं, इन लोगों का भारत के साथ कोई संबंध नहीं है। ये 15% लोग जो हैं, इनमें से भी कुछ अच्छे लोग हैं, हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छे लोग हैं, मैं अपने हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, आइए इस नफरत की दीवार को हम गिराएं और अपने मुसलमान भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दें। ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, ये भारत के ही रहने वाले मूल निवासी हैं और भारत का संविधान इनको हक देता है कि ये अपनी मर्जी से कोई भी धर्म चुन सकते हैं। अगर कोई कहे कि जबरदस्ती आप मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करके, आप अपना दबदबा बना करके उनको हिंदू बनने पर मजबूर करेंगे, तो मुझे पता है कि हमारे जो सच्चे मुसलमान भाई हैं वो गैरतमंद हैं, वो अपना सर तो कुटा सकते हैं लेकिन वो अपने धर्म को नहीं कभी छोड़ सकते। ऐसे ही हम सिख लोग अपने धर्म के लिए हमने आज तक बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं। सो आओ हम सब एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के केजरीवाल सरकार का भी जो चेहरा है वो नंगा करें। आज केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद कहां जाकर के सो रहा है, कहां बैठा हुआ है, उसको नजर नहीं आ रहा है कि भारत के अंदर दिल्ली जो भारत का दिल है वहां पर मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। हम अभी पीछे शाहीन बाग मोर्चे में भी जाके आए थे, तो मैं केजरीवाल को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पुतले नाश जलाए जाएं, तो तुम दिल्ली में हो रहे जो अत्याचार है उसके ऊपर रोक लगाओ, क्योंकि केजरीवाल भी मनुवादी सोच रखने वाला ये आरएसएस का तीसरा हुक्म का पत्ता है, जिसको इस बार सिर्फ बिजली के बिलों को सस्ते करने के चक्कर में, औरतों का किराया फ्री करने के चक्कर में, आपको नहीं पता है कि आपने
जिसको चुना है, ये जो आपको बिजली फ्री करने के नाम पे जो मरहम लगा रहा है, जो मोहल्लों के अंदर इलाज करने के नाम पर जो मरहम लगा रहा है, ये जल्लाद लोग हैं, इन्होंने आपको काटना है। जैसे बकरा बकरा अपने मालिक को, कसाई को वो चाटता है, वो प्यार करता है, तो जब मालिक उसको घास खिलाता है, लेकिन बकरे को ये नहीं पता कि वो मालिक उसको एक दिन काटने वाला है। आज हमारी भारतीयों की कैसी हालात हो रखी है मेरे भारतवासियों, हमारी हालात कसाई की दुकान के बाहर पिंजरे में पड़े हुए मुर्गों के बराबर हो चुकी है। कसाई ग्राहक आने पर जिस मुर्गे को काटने के लिए निकालता है, सिर्फ वही फड़फड़ाता है और चिल्लाता है, और बाकी के मुर्गे सिर्फ दाना चुगने में लगे रहते हैं। सो हम सबको एकता दिखानी पड़ेगी। आइए हम सब लोग मिलकर के शहद की मक्खियों की तरह इकट्ठे हो जाए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच पे पहरा दें, अपने भारत के संविधान को बचाएं, अपने भारत के मुसलमानों को बचाएं, अपने भारत के सिखों को बचाएं। और देखिए, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जज्बाती हम भारतीय लोग जज्बाती हैं, जज्बात में आकर के आप गलत सरकारें चुन चुन करके बैठ जाते हैं। आपको पता है भारतवासियों कि 26 जनवरी 1950 से पहले राजे महाराजे मां के पेट से पैदा हुआ करते थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया और आपको वोट डालने का अधिकार दिया, और 26 जनवरी 1950 में असली आजादी आपको, भारत का जब संविधान आपको मिला था, तब जाकर के आपको आजादी मिली थी। आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत थे इस देश के अंदर जहां मनुवादी लोगों ने पीने वाले पानी के ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पीने के पानी अपने लोगों को दिलाने के लिए भी संघर्ष किया था। तो संघर्ष के बिना आपको कोई कुछ नहीं देने वाला है। गुरु गोविंद सिंह कलगिया वाले पिताजी ने कहा था, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। निज बल जो है वो हमारी भारतीय लोगों की एकता जो है उसको निज बल कहा जाता है। आइए भारतवासियों, हम सब मिलकर के दिल्ली में हो रहे हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, आइए उसको रोकें और उनके लिए हम अपने उनके लिए प्रोटेस्ट करें, अपने मुसलमान भाइयों का कंधे से कंधा मिला करके साथ दें। देखिए, बहुत दुख की बात है कि दिल्ली में अभी जहां दिल्ली के लोग खुश थे कि उन्होंने केजरीवाल एक ईमानदार सरकार चुनी थी आम आदमी पार्टी, लेकिन भारत के मुसलमानों को, दिल्ली के मुसलमानों को कहां पता था कि उन्होंने जिसको वोट दी है आम आदमी पार्टी केजरीवाल को, वो भी एक मनुवादी सोच रखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि ये मनुवादी लोग यही उच्च पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, यही जज हैं, यही कातिल हैं और यही कत्ल करते हैं। तो सोचो, अगर ये कत्ल करेंगे और इन्हीं के लोग अगर जजों के पदों के ऊपर बैठे होंगे, तो कहां इंसाफ मिलेगा हम लोगों को। आज तक 1984 के लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया। तो हमारे मुसलमान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सिखों के साथ हुआ था, हमारे सिखों के साथ, हमने भी आज तक कभी हार नहीं मानी, और हम लोग अपने भारत के अंदर अमन शांति भी चाहते हैं, लेकिन अब और चैन से जिंदगी जीने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के भारत के जितने भी ईसाई हैं, बोधी हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हम सब एक हो जाएं, और जो अच्छे हिंदू हैं, जो परमपिता परमात्मा में विश्वास रखते हैं, जो इस नारे को बचपन से बोलते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, आइए हम सब मिलकर के एक हो जाएं, एक ताकत बन जाएं। बचपन में आपने भी एक कहानी सुनी होगी कि एक बुजुर्ग किसान जब मर रहा था, तो उसने अपने 5 बेटों को लकड़ी के अलग अलग टुकड़े दे दिए थे, और उन्होंने उसने बोला था कि इन टुकड़ों को तोड़ो, तो उन लड़कों ने वो टुकड़े तोड़ दिए थे, और फिर बुजुर्ग ने
उन्हीं टुकड़ों को इकट्ठा करके गट्ठर बना करके अपने लड़कों को बोला अब इसको तोड़ के दिखाओ, तो वो लकड़ी का गट्ठर नहीं टूट सका था। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम एक होकर के रहेंगे तो हम इन मनुवादी सरकारों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो मैं आपको दो लाइनें भुका करके बोलना चाहता हूं, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, तूफानी गत रुके नहीं, तूफानी गत रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, फेंको बंसी और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। इन मनुवादी सरकारों को उखाड़ के हमें फेंकना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। मैं दिल्ली के अपने दलित समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप इन मनुवादी सरकारों के कहीं झांसे में मत आ जाना, क्योंकि ये मनुवादी लोग दलितों को तो अछूत मानते हैं, लेकिन जब मुसलमानों से लड़वाना होता है तो ये लोग नारा लगाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देखिए 85% जो दलित समाज है, जो शूद्र है, हम हिंदू नहीं है। अच्छे हिंदुओं के साथ हमारी भाईचारक साझ है। अगर हम भारत में रहते हैं इस धर्म निरपेक्ष देश के अंदर, तो हमारी भाईचारक साझ सब में है। अगर जबरदस्ती कोई हमारा धर्म बदलाएगा तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस देश को एक राष्ट्र एक धर्म का हिंदू राष्ट्र हम कभी भी नहीं बनने देंगे। ये इस देश के लिए मुसलमानों ने अपने सर कटवाए हैं, मुसलमानों ने अपना इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है, सिखों ने अपना खून बहाया है। सो मैं अपने भारतवासियों को कहना चाहता हूं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गुरु तेग बहादुर जी ने जब ब्राह्मणों को कश्मीरी पंडितों को जब जबरदस्ती मुगलों ने उनको मुसलमान बना रहे थे, तो गुरु तेग बहादुर पिता ने अपने भारत देश के जनेऊधारी सनातनी उन लोगों के धर्म की रक्षा करते हुए अपना शीश भेंट कर दिया था, और उस शीश को दिल्ली से उठा करके आनंदपुर साहब गुरु गोविंद सिंह जी तक पहुंचाने वाले ये भाई जैता जी हैं। और भाई जैता जी जब शीश लेकर के 15-16 साल की उम्र थी उनकी उस समय, जब वो दिल्ली से आनंदपुर पहुंचे थे, तो गुरु गोविंद सिंह पिताजी ने अपने भाई जैता जी को रंगरेटे गुरु के बेटे का खिताब दिया था। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जब भी कभी देश के ऊपर, देश की आन बान शान के ऊपर कभी भी कोई बात आई है, तो हमेशा मजहब के पक्के मजहबी सिखों ने हमेशा तलवार उठा करके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। गुरु गोविंद सिंह पिताजी ने मजहब से पक्के, मजहब के पक्के जो अपने धर्म के पक्के हैं उन्हीं को सिख बनाया था। सो मेरी सभी लोगों से निवेदन है कि आइए हम सब एक होकर के अपने भारत देश को बचाएं, अपने भारत देश को उजड़ने से बचा लें, क्योंकि ये मनुवादी सरकारें, चाहे वो मोदी है, चाहे वो गुंडा अमित शाह है, ये लोग हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आए हैं। इनको पहचाने मेरे भाइयों से वाल्मीकि समाज के, मेरे जितने भी यादव हैं, जितने भी दलित समाज के लोग हैं और बीसी लोग हैं, हम 85% लोग जो भारत के अंदर ब्राह्मणों की नजर में शूद्र हैं, आइए हम सब मिलकर के एक ताकत बन जाएं, एकजुट होकर के भाइयों अपने भारत देश के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर हो रहे तशद्दुदों को रोकें और हम अपनी ताकत दिखाएं। मेरी आप लोगों से बस यही निवेदन था। बड़ा दुख हो रहा है कि दिल्ली के अंदर
हिंसा हो रही है, दिल्ली के अंदर मारकाट हो रही है, जैसे 1984 में सिखों के साथ हुआ था, आज हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है। सो आइए इस तशद्दुद को रोकें और इन मनुवादी सरकारों का चेहरा नंगा करें, और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दुनिया भर को हम संदेश दें, दुनिया के लोगों को, कि हमें भारत के रहने वाले लोग जिनके ऊपर इस समय मनुवादी सरकारें बैठी हुई हैं, और इनसे बचाएं। हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में वीडियो बनाएं और उनको वायरल करें, उनको सोशल मीडिया जो हमें दिया है, मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, टिकटॉक पर वीडियो बनाएं, इंग्लिश में वीडियो बनाएं और उनको टैग कर दें बाहर बाहर की सरकारों को, अमेरिका को, इंग्लैंड को, कि भाई हमारे भारत देश के अंदर आपने जब राज किया था तो आपने तो भारत देश को रेलवे रेलवे लाइन जैसी चीजें दी थी जो आज भी हमारे काम आ रही हैं, और इन लोगों ने जो इस समय मोदी की और ये अमित शाह जैसे गुंडे लोगों की जो सरकारें हैं, ये भारत के अंदर हिंदू मुसलमान सिखों और धर्म के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं और लोगों को लड़वा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और अपने भारत के जो भारत का जो दुख है, भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, भारत के अंदर जो सिखों के साथ हो रहा है, भारत के अंदर जो दलितों के साथ हो रहा है, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कृपया वो दुनिया को हम दिखाएं, इंग्लिश में वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाएं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और दुनिया को भारत में इस समय तख्त पर बैठी हुई इन मनुवादी सरकारों का चेहरा नंगा करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका चेहरा नंगा करके हम बताएं कि ये किस तरह से भारत के अंदर रहते हुए लोगों को ये मार काट रहे हैं। इन लोगों ने, इनका भारत के विकास के साथ कोई संबंध नहीं है, इनका काम सिर्फ लड़वाना है, और ये विदेशी लोग हैं, यूरेशियन, और इनके डीएनए, ये जो अभी सीएए जैसा काला कानून लागू करने जा रहे हैं, मैं ये आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस कानून को बिल्कुल लागू ना होने दें, क्योंकि इस कानून के जरिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो आपको वोट डालने का अधिकार दिया था, वो अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा भाइयों, और हम इसका कड़ा विरोध करें और अपने मुसलमान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दें और उनकी बेटियों की इज्जतों को बचाएं, उनको उनके साथ जो तशद्दुद हो रहे हैं हम उनसे उनको बचाएं। मैं दिल्ली के सभी सिखों को, पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड के सिखों को सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने मुसलमान भाइयों को हम बचाएं, क्योंकि उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, हम ऐसा ना होने दें। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है, आइए भारत को बचा लें, आइए भारत को बचा लें मेरे भाइयों, मेरे इस भारत को बचा लें, नहीं तो इन लोगों ने भारत का सर शर्म से झुका दिया है, इन्होंने भारत में विकास नाम की कोई चीज नहीं की है, इन्होंने भारत को एक ऐसी चीज बना दिया है कि अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो हमारे भारतवासियों का सिर्फ भारत की निकम्मी सरकारों की वजह से सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। आज मैं बड़े दुखी हृदय के साथ कह रहा हूं कि ये केजरीवाल, लाला केजरीवाल, जिसके ऊपर भरोसा करके दिल्ली वालों ने इसको मुख्यमंत्री बनाया, आज ये आरएसएस का दलाल, ये भड़ुआ कहां छुप करके बैठा हुआ है, इसको नजर नहीं आ रहा है क्या? इसके कंट्रोल में नहीं है? अगर इसके कंट्रोल में नहीं है तो इस आरएसएस के दल्ले को अपनी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे भारत के मुसलमानों के ऊपर इतना तशद्दुद हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है, तो हमें चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, कसाई की दुकान के बाहर पड़े हुए मुर्गों की तरह ना बने हम, आइए मधुमक्खियां बन जाएं, मधुमक्खियों की तरह हम एक हो करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, उनकी विचारधारा को अपना अपना आइडल माने, अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को रानी मधुमक्खी समझते हुए उनकी सोच के ऊपर पहरा दें और भारत के अंदर अपने सभी धर्म के लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए हम एकजुट होकर के लड़ें। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि किसी ने सच कहा है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती,
बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 100 दिन कुत्ते की जिंदगी जीने से बेहतर है मेरे भारतवासियों कि हम 10 दिन बब्बर शेर जैसी जिंदगी जिए, क्योंकि गीदड़ को जितना मर्जी खुला छोड़ दो उससे लोग नहीं डरते। और ये मोदी और अमित शाह ये खुले गीदड़ हैं और इनसे दुनिया को डर नहीं लगता, लेकिन ये जिस पद पर बैठे हैं ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और हम भारत के सिख मुसलमान हम पिंजरे में बेशक बंद शेर हैं, लेकिन उससे आपको पता है कि पिंजरे में बंद शेर से दुनिया डरती है। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है अपना फर्ज समझते हुए गांव गांव में जो लोग जिनके पास मोबाइल नहीं है उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, उनको भी वीडियो दिखाएं, उनको ये बात बताएं कि हम 85% भारत के शूद्र जो ब्राह्मण की नजर में शूद्र है, हम हिंदू नहीं है। और जो अच्छे हिंदू हैं मैं उनके चरणों में भी, अपने भारत देश के हिंदुओं के चरणों में भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज अपने भारत को शर्मसार होने से बचाएं। आइए हम सब एक होकर के अपने भारत को बचाएं और इस नारे को बुलंद करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, आपस में हम भाई भाई। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए हम सब मिलकर के अपने भारत के, इस समय मेरा, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं बड़े दुखी हृदय के साथ कह रहा हूं, मैंने अभी सोशल मीडिया पे खबरें देखी हैं कि किस तरह से जालिम दिल्ली के पुलिस वाले आरएसएस के दलों के साथ मिलकर के किस तरह से हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं और उनसे जबरदस्ती वंदे मातरम गीत बुलवा रहे हैं। अरे जबरदस्ती क्यों बुलवाते हो, हमारा भारत का मुसलमान, हमारा सिख वो वंदे मातरम बोलता है, वो वंदे मातरम बोलता है अपने भारत देश को वो खुशहाल देखना चाहता है। आप नफरत के बीज ना बोएं और आप नफरत के बीज ना बोएं भाइयों, आओ हम सब मिलकर के एक हो जाएं, अपने भारत देश को बचाएं, अपने भारत देश को इस बल रही जो जल रही आग है नफरत की आग, धर्म के नाम की आग, इससे बचा लें अपने भारत देश को। बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अरे हम तो ये प्रयास कर रहे हैं, आज भारत के अंदर लोगों को जहां अपने बच्चों का पेट पालने के लिए फुर्सत नहीं है कामकाज करने से, वही गरीब लोगों के ऊपर ये जालिम सरकारें, और केजरीवाल भी इसमें शामिल हो चुका है, उसको नजर नहीं आ रहा है कि दिल्ली के अंदर किस तरह से अपने भाइयों को मारा जा रहा है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे जरूर भाइयों, मुसलमान भाइयों, हम सभी सिख आपके साथ हैं। मेरे सभी मुसलमान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा फोन नंबर है 9876401980, आप हमसे संपर्क करें। मैं मूल निवासी मार्शल फोर्स का पंजाब का प्रेसिडेंट और मेरे साथी जॉनी डुबरा जी जो पंजाब के वाइस प्रधान हैं, हम अपने साथियों के साथ मिलकर के दिल्ली आएंगे और अपने मुसलमान भाइयों का साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। भाइयों आपने चिंता नहीं करनी, हम इन जालिमों का मिलकर के मुकाबला करेंगे। और 2024 में याद रखना ईवीएम का विरोध करें, ईवीएम मुर्दाबाद, ईवीएम मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, लाला केजरीवाल मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। भाइयों अपने भारत देश के अंदर गरीबों का आंदोलन जो साहिब श्री कांशीराम जी ने शुरू किया था, अगर आप गरीबों के आंदोलन के साथ जुड़ते हैं, गरीबों के हकों की बात करने वाली सरकार लाते हैं, तभी जाकर के ये तशद्दत रुकेगा, तभी जाकर के ये तशद्दत रुकेगा। बड़े दुखी हृदय के साथ पंजाब लुधियाना से डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा, गुरु का बेटा, आपके साथ है।
हम सभी भारत के अंदर जितने भी मजहबी सिख हैं, मजहब के पक्के मजहबी सिख, हमें कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए होती है। इतिहास गवाह है कि गुरु गोविंद सिंह जी का साथ धर्म के पक्के मजहब के पक्के मजबूत सिखों ने साथ दिया था। और आज एक बात और आपके ध्यान में मैं ला देना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह पिता ने, कलगियों वाले पिता ने 14 जंगे भारत के अंदर लड़ी थी। सिर्फ एक जंग मुगलों के साथ, वो भी बाहर से आए हुए मुगलों के साथ, औरंगजेब जैसे मुगलों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन 13 जंगे भारत के अंदर जो ये डोगरे, ये जनेऊधारी सनातनी है, 13 जंगे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी। आज ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म का हिस्सा है सिख, तो सिख जो है वो हमेशा मजलूमों का साथ देता आया है, मजलूमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देता रहेगा। आइए हम सब मिलकर के अपने भारत देश के अंदर इन मनुवादी सरकारों को जड़ से उखाड़ फेंके, इनका बायकॉट करें, इनके पुतले फूके। और मैं यही कहना चाहूंगा कि यह तभी संभव होगा जब हम और आप एक हो जाएंगे, एकजुट होकर के ताकत बन जाएंगे, तो इन मनुवादी सरकारों को हम इनकी जड़ें उखाड़ करके फेंक देंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय, सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय, जय कबीर, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद आप सभी लोगों का, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम अपने मुसलमान भाइयों का साथ दे, सब लोग मिलकर के हम उनके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। मुसलमानों को काटने से पहले आपको सिखों का मुकाबला करना पड़ेगा, जिन्होंने आपकी बहु बेटियों को गजनी के बाजार से बचाया था, आपके जनेऊ और बोधियों को औरंगजेब से बचाने के लिए जिन सिखों ने बलिदान दिया था, वो आज अपने भारत के मूल निवासियों और भारत के मुसलमानों के साथ है। मुसलमानों को मारने से पहले आपको हम सिखों की लाशों के ऊपर से होकर के गुजरना पड़ेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।